running after you. तेरी बात से मैं तो दिखे हुए हाँ इससे आ जाना बाबा सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कितना फॉलो कर रहे हो बिग बॉस को? मैं तो थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, तो फॉलो कर रहे हैं। मैंने अपने भी एपिसोड्स नहीं देखे बिल्कुल भी, मैं मेरे दिमाग से बाहर निकाल दो बिग बॉस, पर सभी निकल नहीं रहे। मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ यार। येस्टरडे भी इन्होंने मेरे को फोन करके बोला, अरे अरे एपिसोड लगा, क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। I'm like, I'm just okay. I'm तो आपको पता है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस तो मैं सच्ची बताऊँ तो डेफिनेटली कर रहा हूँ यार। मतलब जो भी टाइम हमने भी साथ में बिताया, जो दोस्त हमारे अंदर बचे हैं, जो बाहर आ गए, जब हम सब साथ में थे, तो वो सब चीज़ें तो मैं डेफिनेटली बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन अब बाहर आके ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन वी विल डेफिनेटली सी। लेकिन ऐसे नहीं, बिल्कुल देखा नहीं जाएगा अभी बिल्कुल। मैं देखूंगा क्यों नहीं। सबसे ज्यादा क्या कुछ मिस कर रहे हो राजीव? दोस्तों को यार सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, मैं भी। मैं तो उमर और शमिता को, ये तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। वो बाहर आए मैं कितना रो रहा उसके पीछे पता है उसको? डेफिनेटली उमर और शमिता मिस नॉट इन होल हाउस इन जनरल, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार सब कुछ। मैं भी सबसे ज़्यादा मिस अपना प्रतीक और निशांत को कर रहा हूँ फिलहाल, जो घर में है, तो मैं उनको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बिकॉज हम रात को 4-4, 5-5 बजे तक जागा करते थे, तो आई डोंट नो वो कैसे टाइम बिता रहे हैं अपना, लेकिन आई मिस दोस्त टाइम। घर में और बिच्छू जी कर रहे हैं घर में, मतलब शुरू से बोल रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो राखी के साथ अभी हुआ था, शमित के साथ उसका आम गिंजी, मुझे ये भी पसंद नहीं आया। आई थिंक सिम्बा भी ये एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा कि गेम शो है और 24 घंटे आप साथ में हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मतलब होगा घर में, इरिटेशन हो जाती है घर में। आई थिंक डेवली ने अभी शुक्ले तो उसका गेम प्लान मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। सबका गेम प्लान यही है, जाओ और चीखो, जाओ और चीखो। और मैं मस्ती कर रहा हूं, वो शांत है। सिम्बा का कुछ अलग ही था, और मैं भी कुछ अलग था। बिल्कुल, और हमको ही निकाल दिया। देखो तो क्या लगता है कि आप दोनों को मतलब रहना चाहिए, आपके मतलब आपके अलग ही कौन ये निकलना चाहिए था? ओ बिचुकले फॉर श्योर, बिचुकले और डेवोलिना मेरी तरफ से। आप निकलने तो डेफिनेटली अब ये बेचुकले और दूसरा क्या देवोलिना। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मैंने देखा नहीं है, पर मैंने बिना देखे इतना सुन लिया इनके बारे में कि मुझे लग रहा है कि हाँ निकालो भाई। मेरे से बहुत सुना है उसने। ओके, सो बिचुकले और देवोलिना की फाइट हो रही है, उस पे कौन ज्यादा आपको रॉन्ग लग रहा है? मुझे अभी जो फाइट हुआ अभी, हाँ, हाँ, दोनों ही लोग लग रहे हैं इतने लड़ते फिर पैचअप होते, लड़ते पैचअप होते, मतलब बात ही नहीं करना चाहिए दोनों से। आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक दे बोथ, ये एक लूप है, जो लूप चल रहे हैं, क्या बोलूं मैं। देखो दोनों प्यार में, वो भी बोलते प्यार में दोनों पूरा मतलब प्यार में है, अरे प्यार में है। वो भी उसने भी देखा है प्यार में। आई थिंक यू नो एवरी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन हो जाता है, एंड आई थिंक यू नो दे जस्ट, आपके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हुआ कभी प्रॉब्लम्स? होगा ना सबके साथ, हर रिलेशनशिप में होता है ना प्रॉब्लम्स, सो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। पैचअप भी हो गया दोनों का। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो वो फेक लगता है या फिर जेन्युइन रिश्ता है क्या? आई थिंक इट्स जेन्युइन, आई थिंक इट्स वेरी जेन्युइन, है ना सिंपली? या या डेफिनेटली जेन्युइन। रश्मि देसाई और उमर रियाज का रिश्ता किस तरह से आप लोग दोनों लेते हो, किस तरह से वो बॉन्डिंग आपको दिखी? उनका रिश्ता तुझे नहीं पता ना? मतलब रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं है, नहीं नहीं। आई थिंक देखो जो मैं ज़्यादा क्लोज था लोगों से, एंड हाँ फ्रेंडशिप है, नहीं नहीं हाँ फ्रेंडशिप का रिश्ता है। आई थिंक अभी वो दोनों बातचीत कर रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस, आई थिंक दे लाइक ईच अदर, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, मतलब मैं चाहता था कि दोनों लाइक करें दोनों को, आई मीन दे गेटिंग टू नो ईच अदर, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस। एंड आई थिंक यू नो अभी बहुत कम टाइम है फिनाली तक, तो आई थिंक यू नो
इतना गेम में टेंशन है, इतना प्रेशर है गेम में, अभी आई थिंक वहाँ ध्यान ही नहीं है अभी. आई थिंक दे वेरी गुड फ्रेंड्स, आई थिंक दे विल ऑलवेज रिमेन फ्रेंड्स, ऑल थ्री ऑफ अस रिमेन फ्रेंड्स. डेफिनेटली. सो अभी फिनाले आने वाला है, जानना चाहूंगी डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन लगते हैं आप, पहले बताओ. हाँ आप बताओ. नहीं ऑब्वियसली हमारे हिसाब से तो हम ही डिजर्विंग थे, लेकिन अब हम नई एसेंस, तो मेरे हिसाब से आई थिंक प्रतीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना इनपुट देता है, एंड उसके लिए ऐसा लगता है कि बिग बॉस ही सब कुछ है. तो मैं, मुझे लगता है कि यार अगर इतना हंगर है तो मिटा दो उसकी हंगर यार. मेरा तो दो ही नाम है आपको पता है, एक तो शमिता है और उमर है, मेरे लिए दो नाम है. घर से बाहर है मेरे लिए भी फिर दो नाम है, तो प्रतीक और निशान दो नाम. कितना ऑपोजिट है देखो. ऑपोजिट है. अपने बॉन्ड के बारे में क्या बताना चाहोगे, किस तरह से बाहर फ्रेंड? अरे आई तो लव हिम यार, मतलब इट्स अबाउट यार कि मैंने ना बहुत लोगों से मिला हूँ मैं लाइफ में, लेकिन आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट, सच अ जेंटल, सच अ वार्म गाय. यू नो मैंने, हमारी भी बीच में नोकझोंक हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट एक ही बार हुई घर में सिर्फ रोटी के ऊपर. रोटी के ऊपर. लेकिन घर में सिर्फ एक यही थे जो उस चीज़ को यू नो समझे, एंड वी बोथ, हमारा वो याद है रिएक्शन एक बीच में लुक एक्सचेंज हुआ था व्हाइल वी वर गोइंग, इट वाज लाइक कि फक मैन क्या क्या कर रहे हैं हम यहां पे, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, वी लव ईच अदर, वी बोथ नो इट. सिम्बा साहब से क्यों टकरा रहे हैं? Everybody loves Simba. Simba, ask any contestant who was the most sweetest in the house. Oh, Simba ki naam lega. Simba sabse sweet tha. Salman Khan sir ka bhi for me it's bahut hi acche tarike se celebrate kiya. Kitna aap log miss kiye, kya kuch batana chahenge? Main to har roz miss karta hu Big Boss. But I was wish I was there to celebrate his birthday. But manayenge finale pe uske sath baad mein. डेफिनेटली. तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था बिकॉज मी एंड भाई शेयर्ड अनदर लेवल का बॉन्ड ओनली. तो जब उनका बर्थडे था और मुझे पता चला कि उनको किसी सांप ने भी काट लिया, आई वॉज लाइक यार मेरा बहुत मन है कि मैं उनसे जाऊँ, उनसे मिलूँ और यू नो थोड़ी बातें करूँ, एंड आई विश हिम फ्रॉम माई हार्ट बिकॉज मेरे को दिल से उनको विश करने का दिल था, बट ऑब्वियसली भाई इज़ भाई. सो आई जस्ट पोस्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट वॉज इट. लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे मिलूँ और उनको विश करूँ. बिग बॉस के घर के बाहर से आप जब गेम देख रहे हो तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो रॉन्ग जा रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से राखी रॉन्ग जा रही थी बिकॉज राखी इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग है, और जब मैं घर में था वो बिल्कुल डेवन रेनी की बात सुनती थी. अभी एक्चुअली थोड़ी बार आ रही है उसे शेल से, बट आई थिंक डेवन अभी टी शुड डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग पाथ इन माई ओपिनियन. राखी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर नाउ, उसका दिमाग अभी यूज़ कर रही है थोड़ी, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ वो जो राखी सावंत है, पर आई एम हैप्पी नाउ शी इज़ कमिंग बैक इनटू हर ओन. So he was the one, जब हम घर के अंदर थे, you know what he used to say, he was like कि I wish राखी सावंत आ जाए, I wish राखी सावंत आ जाए. I was like but why, already इतना ज़्यादा madness चल रहा है घर में, अब राखी सावंत भी आ जाए. तुम लोग शांत था, मैं ही mad था, मुझे कुछ तो और mad घर में सता है. So definitely अब मैंने Instagram पे definitely I have been following colors, तो मैंने देखा है कि राखी सावंत और यही अभिनव बेचुकले हैं, तो ये दोनों बिल्कुल ही मतलब कम्प्लीटली अभिजीत सॉरी, सो दे आर कम्प्लीटली लाइक यू नो गोइंग मैड ओनली. मतलब क्यों अभिजीत का मैंने कुछ देखा, ही सेड समथिंग टू शमिता, नो इतना चीज बोलते शमिता को लोग मुझे समझ नहीं आता क्या है मैन, वो थक चुका हूं देख देख के उसका. बट यू नो व्हाट आई थिंक दीस टू नेम्स ओनली. सो न्यू ईयर भी आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग? न्यू ईयर मेरा मन तो बहुत था कि मैं घर वालों के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे अभी थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे और ज़्यादा काम का, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का ये सब, तो आई एम लाइक कि फर्स्ट आई शुड फोकस ऑन वर्क, और जैसे ही मेरे को कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है देन आई एम डेफिनेटली गो एंड सी देम. मेरा आई थिंक आई एम स्टेइंग शिल्पा शिल्पा एंड मी शिल्पा और शमिता के फैमिली के साथ, मतलब आई थिंक 8 साल से हर न्यू ईयर हम साथ में लंदन में मनाते हैं, और ये सब यहाँ हूँ, ये लोग भी यहाँ हैं, तो आई थिंक मम्मी मेरी नहीं है बट ऑब्वियसली आई एम स्पेशली शिल्पा शिल्पा इन द फैमिली. दिस जब आप घर से बाहर निकले और शिल्पा मैम के साथ ये सब बातें होती होगी बिग बॉस की, क्या उनका रिएक्शन होता है? वो तो बहुत चिल्ड है, वो कितना मज़ा आया तुमको, हाउ शमिता डूइंग, अच्छा खेल रही, वो तो बहुत मस्त है शिल्पा. आई शी इज एंजॉइंग द होल प्रोसेस, शी इज प्राउड ऑफ शमिता, आई एम प्राउड ऑफ शमिता, शी इज प्राउड ऑफ मी, बहुत मुझे प्यार दिया पूरा फैमिली ने, तो आई मीन शी इज एंजॉइंग. Thank you to all the fans. Please keep supporting. Please blessing. We love you. I love you all. I'm sure I know he loves you all also. Please give us all the love and we love you so much and thank you for all the support and love. Thank you so much. तो मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इतना सारा प्यार दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ जो घर से सीखी है
मैंने ये चीज़ सीखी है कि यार ज़िंदगी में ना डोंट लुक फॉर द प्लेटफॉर्म, डोंट लुक फॉर कि कौन इंसान है, डोंट लुक फॉर कि कितना बड़ा चीज़ है, कितना बड़ा बिजनेस है, जो दिल बोलता है बस यार उतना ही करा करो, क्योंकि दिल से खुशी जो आपको सुकून मिलता है वो आपको वही करके मिलता है जब आप वो करते हो जो आपका वाकई में दिल होता है, जो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करें दिल के अंदर, जस्ट गो विद दैट, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, आप अपना काम करो और जो दिल बोलता है बस उसकी सुनो, मैं बस यही बोलना चाहूँगा। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you guys. Bye. 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 Bye.